आपका क्या समस्या है बोलिए, एक एक क्वेश्चन बोलिएगा और उसका आंसर पाते चलिएगा, ठीक है। यानी जी आप जी क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर बारीकी से मिल जाए। बोलिए। जी जी सर, क्वेश्चन नंबर एक ये है सर कि हम लोग मतलब कि पिताजी 6 भाई हैं, तो एक अतियानी प्लॉट था। क्वेश्चन नंबर एक में इसका हम डिटेल भेजे हुए थे आपको सर, तो उसमें जो है सर 4 भाई को एक प्लॉट में रोड साइड का जमीन उसमें दिया हुआ था। वो लगभग 100 साल से बाबा पर बाबा के ही टाइम से मैनुअल दिया हुआ था, मैनुअल पर ही, लेकिन आज तक वही चलता आ रहा था। और 2 भाई को उसके बदले में कहीं दूसरा प्लॉट में दिया हुआ था, जिसमें से एक चाचा जी जो है 2014 में उसमें से बेच भी दिए। उस समय कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं डाला, फिलहाल तक कोई नहीं मतलब फिलहाल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज तक चलता ही आ रहा था। लेकिन बीच बीच में ये लोग जो है थोड़ा बहुत इधर उधर बातचीत कहीं कहीं बोला, तो सर कहीं से हम सलाह लिए, एडवोकेट अच्छा। सर से लिए समस्तीपुर, तो उन्होंने बोला कि आप मम्मी के नाम से करवा दीजिए इसको अच्छा, मम्मी के नाम से रजिस्टर। करा दीजिए। जी ठीक। जी मम्मी के नाम से रजिस्ट्री करवा दीजिए। ठीक। तो रजिस्ट्री करवा दिए सर, उसके बाद सर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए, तो 2 महीना के बाद शायद इन लोगों को पता चला, चाहे जैसे भी हो, ये हाँ, लोग ऑब्जेक्शन डाल दिया। ऑब्जेक्शन डाल और दिया। जी ऑब्जेक्शन डाल के उसके बाद सर लिखित आवेदन दे दिया दाखिल खारिज नहीं करने के संबंध में। मतलब क्या उसमें क्या है, मेंशन क्या किए हुए थे? मेंशन ये किया जो हम लोगों का खतियानी जमीन है और इसका दाखिल खारिज रोक दिया जाए, बस इतना ही लिखा, खतियानी विशेष जमीन कुछ है, लिख। दाखिल खारिज जीरो के आपत्ति दर्ज करवाए होंगे ना? ये तो आपत्ति नहीं हुआ, खतियानी जमीन है तो उसमें तो आपका भी हिस्सा है। बंटवारा जी नहीं जी हुआ था क्या? हाँ हाँ नहीं तो बताए ना सर, 4 भाई को यहाँ पर दिया हुआ था, 2 भाई को कहीं दूसरा प्लॉट में दिया हुआ। तो उन लोगों का कहना ये था कि हाँ। इस अभी जो रोड बन गया ना सर, थोड़ा सा लोभ आ गया था, तो उसका कहना ये था कि इस प्लॉट में हम बांट के देंगे, हाँ। इस प्लॉट में बांट के जहाँ वो लोग रखा था उसमें देंगे और यहाँ हम भी लेंगे, ये कहना था वो लोग का। अच्छा, जी यानी अगर तो बोला इसी जाए, हाँ ऐसा ये इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो जमीन है जो जी आपको जी दिए हुए थे वो रोड साइड में आ गया, उसका कीमत बढ़ गया तो लोभ आ गया, जी फिर इसमें भी हम भी हिस्सा लेंगे। जी 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 अच्छा, यही बात हुआ। हाँ यही बात हुआ, इसी को लेके वो ऑब्जेक्शन सीओ साहब के पास अपना आवेदन देके दाखिल खारिज रुकवा दिए। तो सीओ साहब भी हम लोगों को बुलाए, 4 अप्रैल को हम लोगों का डेट दिए आने मिलने के लिए। ठीक। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ सर, ये लोग आप जैसे हो जिस रूप में हो उतना तो नहीं जानकारी मिल पाया, 1 अप्रैल को ही ये लोग सीओ साहब उसको रिजेक्ट कर चुके थे। फिर भी हम लोग 4 अप्रैल को गए, सुनवाई भी हुई, उसके बाद सीओ साहब 2 दिन का टाइम भी दिए कि आप 2 दिन में अपना हमें आपस में कुछ बात विचार करना चाहते हैं तो करके हमको बताइए 2-3 दिन में, उसके ठीक। बाद नहीं होगा तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा बोले सीओ साहब। ठीक। लेकिन जब 4 तारीख को सब चीज हो गया, फिर 5 या 6 को हम ऐसे ही ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे थे कि कुछ लिखा उखा है कि नहीं रिमार्क्स में, तो देख रहे हैं वो 1 अप्रैल को ही रिजेक्ट हो चुका था, अच्छा, हो चुका था। हाँ। हो चुका था। तो इसके लिए सर फिर हम नकल निकाले और DCLR के यहाँ हम अप्लाई भी कर दिए, जिसका भी डेट आया भी नहीं, 27 मई को अप्लाई किए थे, अच्छा। हाँ। तो डेट अभी एक भी पड़ा भी नहीं है। तो यही जानकारी सर हमको दीजिए कि हाँ, और ये क्या बोलते हैं, रिजेक्ट करने का रीजन में लिखा गया हाँ। सीओ साहब के तरफ से कि ट्वाला पर लिखित जमाबंदी को राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉक किया गया। लॉक किया गया। जी हाँ, तो इसका दाखिलदारी जो है अस्वीकृत किया जाता है, बस इतना ही चीज लिखे थे। लॉक का कारण नहीं बताया, लॉक नहीं, क्यों लॉक का लगा? कारण नहीं, सीधे लॉक किया गया लिखे हैं और उप समाहर्ता द्वारा ही दाखिल खारिज करना संभव है, ऐसा लिखे। अच्छा, यानी वहाँ स्पष्टीकरण नहीं दिया कि रीजन क्या है, क्योंकि रीजन क्या नहीं, वो चीज नहीं थी। खतियानी जमीन है, उसमें आपका भी हिस्सा। ये बताइए, जी जमीन का बंटवारा हुआ है मौखिक रूप से? मतलब बंटवारा तो हुआ ही होगा मौखिक रूप से, कागजी रूप से हुआ है नहीं, इसका? कागजी रूप से नहीं हुआ है सर। ओ, यानी वंशावली वगैरह बना के, शेड्यूल वगैरह बना के नहीं हुआ, यानी बंटवारा नहीं, नामा उस टाइप जिसको? से नहीं हुआ है सर। अच्छा, यानी बंटवारा वंशावली के अनुसार जो है शेड्यूल चार्ट नहीं बना, यानी बंटवारा चार्ट नहीं बना है, बंटवारा नहीं, नामा। बंटवारा चार्ट नहीं बना सर, तो सबसे पहले जो बस। है ना, आपको यही काम कराना चाहिए, वो जो करवा लेते हैं ना और जी शेड्यूल जो बनवा लेते हैं, तो उससे जी जी स्पष्ट हो जाता है कि कौन जमीन आपके कौन से हिस्से में है उसमें। क्योंकि देखिए,
कोई भी जमीन का जो है ना, कोई भी जमीन हो, आप जितने भी पट्टेदार हो, अगर वंशावली के अनुसार दखल कब्जा किस व्यक्ति को कहाँ पे है, कितना रकबा पे है, पूरे स्पष्ट लिखा जाता है। जैसे रैयत का नाम, पिता का नाम, और जैसे भूमि के ब्योरा के में रहता है जमीन का खाता, जमीन का खेसरा, चौहद्दी, रकबा और फिर जमाबंदी नंबर। तो ये सब काम जो है आप पक्का करवा लेते हैं, और सभी आपसी सहमति पे जो जिस समय हुआ उसी समय क्या करते, ये पेपर बनवाते, आपसी सहमति से सब सिग्नेचर भी कर देता, वो चीज भी पक्का हो जाता, तब जाके आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन अब जो है ये जो लॉक किया गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि बंटवारा नहीं हुआ है, समझ गए? लॉक करने का वही कारण बताएंगे, आप देखेंगे, ठीक ना, वही कारण बताएंगे, क्योंकि वो आपके हिस्सा में का है, वो हिस्सा बराबर सभी को मिला है, वो है खतियानी जमीन है, कोई तो ऐसे नहीं है, डिस्टर्ब जमीन होता है, जैसे गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर हिंद, जीला बोर्ड, ठीक है, और बंदोबस्त वगैरह बहुत ऐसे जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं होता है, तो वैसा कोई रीजन है नहीं वहां पे, बस लॉक कर दिया गया है। तो वहां पे ऑब्जेक्शन लगाने का मुख्य कारण आपत्ति दर्ज करवाए होंगे आपके पट्टेदार, जो भी आपके दियाद भाई हैं, कि बंटवारा नहीं हुआ है। जब बंटवारा जमीन का नहीं हुआ है तो उस जमीन को रजिस्ट्री करवा तो ली है, लेकिन दाखिल खारिज, वो दाखिल खारिज में जाके इसलिए वो अटक जाता है क्योंकि जमीन का ओरिजिनल होता है लोकेशन, इतना तो जमीन है लेकिन किस लोकेशन में ये जमीन आपको मिला है, अब मिला है तो आपसी सहमति से मिला है कि नहीं, या अपना मन से कोई भी किधर भी ले लिए हैं, तो वो सब चीज जो है ना, जब तक वो चीज को वेरीफाई नहीं करते, सत्यापित सत्यापन करने के बाद ही वो करते हैं। तो यही सत्यापन वगैरह करने के लिए वो आप लोग के दियाद को भी वो नोटिस भेजे होंगे, इस चीज का जानकारी दिए होंगे, कभी भी दाखिल खारिज होता है तो आपको, देखिए जो व्यक्ति खरीदता है उसके नाम से दाखिल किया जाता है, और पुराने व्यक्ति को नाम से खारिज किया जाता है, या उसमें से जवाबमंदी में से उतना माइनस हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन में कि बाद में विवाद ना हो, ये चीज आपसी सहमति से हुआ है कि नहीं, इस कारण से उसको एक लेटर भेजा जाए, सूचना, समझे, सूचना किसी भी प्रकार से हो सकता है, सूचना के रूप में एक लेटर भी भेजा जाता है, या उसको बुलाहट भी होता है सीओ साहब के द्वारा, और उसे ये सत्यापित किया जाता है, सत्यापन की ये जो आपसी सहमति के द्वारा किया गया है कि नहीं, इसका मुख्य कारण यही है कि आपका जमीन का सत्यापन करने के दौरान जो है वो व्यक्ति अपना आपत्ति दर्ज करवाएं कि ये जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, और उस में जो जमीन में है उसमें हम लोग का भी हिस्सा है जिसका वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं। आप तो बताइए कि लोभ आ गया, रोड साइड में आ गया, जमीन का कीमत बढ़ गया, लोभ आने का मतलब है रोड साइड में जैसे आया जमीन का कीमत बढ़ गया, यही है। और कोई आपका प्रश्न, ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। हाँ तो सर इसमें हमको एक चीज और बताइए, चाचा जी जिस समय बेचे उसी प्लॉट में से चार लोग, चार चाचा के जो इसमें था, तो एक चाचा बेच चुके हैं, अब तीन ही चाचा का वहां पर बचा हुआ है, एक मेरा और दो चाचा का, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्वेश्चन ये हो रहा है कि चाचा जी जो मेरे बड़े चाचा हैं वो बेचे थे, उस समय मेरे पिताजी का भी नाम उसमें दर्शाया हुआ है रैयत के नाम में, और जिनको बेचे हैं उनके नाम से दाखिल खारिज भी हो गया, जिसके जिसको बेचे उन्होंने भी किसी तेसर को बेच दिया, उसका भी दाखिल खारिज हो गया। और तो यहाँ पर त्रिकोणमिति जमीन बच गया, हाँ अब इसमें जो है सर इसका कैसे क्या होगा, थोड़ा सा बताइए जो इस सर्वे में कैसे होगा इसका सर। देखिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा, जी ये जो, हाँ ये जो उस व्यक्ति को जो दाखिल खारिज हो गया, जी इसलिए हो गया क्योंकि उसको दाखिल खारिज कराए तो किसी को आपत्ति कुछ हुआ नहीं, बोले ये काम जो हुआ है, रजिस्ट्री जो किया है, जमीन जो हम बेचे हैं आपसी सहमति से सभी का सिग्नेचर कर लेके बेचे हैं, और उस समय भी उसको सूचित किसी ना किसी आधार पे किया होगा, वो गवर्नमेंट का कानूनी प्रक्रिया है कि उसको कोई भी व्यक्ति कुछ भी सत्यापन वगैरह करने से पहले उसका काम नहीं कर सकता, तो उस समय किया होगा, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए होंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा, नहीं कोई आपत्ति दर्ज करवाए होंगे सीओ साहब के पास जाके, लेकिन इसमें आप में करवा दिए, आप तो बताए हैं रीजन क्या है, तो मुख्य कारण यही है कि उस समय कोई आपत्ति दर्ज कराने वाले थे नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, आपसी सहमति से सारा काम हुआ, उसलिए दाखिल खारिज उसको भी हो गया, और आगे
आगे जो ली है जो व्यक्ति, उनको भी दाखिल खारिज इसलिए हो गया क्योंकि उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति से वो खरीदे यानी जिससे आपका पटीदार बेचे, तो उनसे वेरीफाई अगला वाले व्यक्ति के लिए जो है ना सीओ करेंगे, तो वो भी वेरीफाई कर दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जमीन इनसे बेचे हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ जमीन हम बेचे हैं, तो आपसी सहमति हो गया। और दर के वाला, एक दर का के वाला होता है, जो आप जैसे किसी से जमीन आप खरीदे ना, तो खरीदने से पहले जिसके पास उसके बाद कोई केवाला से आएगा तो केवाला होगा, तो उसको दर केवाला बोलते हैं, ठीक है। तो दर केवाला से वो लिंक वगैरह कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ दिक्कत होता है तो, और उसको वेरीफाई करके वो दाखिल खारिज कर देते हैं। तो मुख्य कारण इसका यही है। अच्छा, तो ये सर मतलब हो पाएगा कि अभी सर्वे में कि नहीं इस प्लॉट का? हम आपको जो बोल रहे हैं समझिए, अभी सर्वे हो रहा है जी। सर्वे में आप लोग को पता ही है कि सबसे वैल्यूएबल चीज, सबसे वैल्यूएबल चीज खतियानी जमीन के लिए या किसी भी जमीन के लिए जिसमें बंटवारा वगैरह की बात होता है, तो सबसे मुख्य चीज होता है वंशावली जी। वंशावली के अनुसार बंटवारा चार्ट बनता है। अब बंटवारा चार्ट बनता है तो उसमें पूरे क्लियर किया जाता है कि किस भाग से कितने, किस व्यक्ति को जमीन किस प्लॉट में, किस खाता में कितना रकबा मिला है, स्पष्टीकरण पूरे दे दिया जाता है जमा मंदी नंबर के साथ, ठीक है। जिससे ये होता है कि वो फिक्स होता हो जाता है कि ये इसका जमीन है, उसके नाम से जो है पेपर वगैरह सर्वे में बनेगा। तो आप गौर से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, अभी आपके जो ओरिजिनल चीज़ है अभी आपको होगा, अभी जो सर्वे होगा वंशावली आपके जितने भी पटीदार है जिसका जमीन है वो सब बनवाएंगे, ठीक ना, पूरे पटीदार का देंगे, और सभी व्यक्ति जो है ना बंटवारा चार्ट बनाएंगे, वहाँ पे आपसी सहमति से बंटवारा फिर होगा, ठीक है। वो कागजी रूप से होगा, वो मौखिक रूप से आपसी सहमति से एक मौखिक रूप से होता है, एक आपसी सहमति से कागजी रूप से कि पूरे चीज पेपर वगैरह सारा चीज बनता है, तो पेपर वगैरह अभी आपको बनेगा, समझ गए। समस्तीपुर में है तो अगर बंटवारा वगैरह कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति जो है आपको उस प्रकार से शेड्यूल वगैरह बना के नहीं देते हैं, तो फिर जाके सर्वे वाले काम है, तो इसमें अच्छा से वंशावली और बंटवारा चार्ट बनवाना है, तो सब अमीन को ये बंटवारा चार्ट बना नहीं पाते अच्छा से, ठीक ना, क्योंकि गांव घर में रहते हैं, इधर से उधर से सीखे रहते हैं और उतना अच्छा से वो बेहतर तरीका से बना नहीं पाते हैं, और बहुत ऐसे नॉलेज होता है आधा अधूरा रहता है, जब वो मतलब, तो हम कहने का मतलब अच्छा अमीन से उसको बनवाना है जो भी अच्छा हो। अगर अच्छा, अगर आपके नज़र में आपके इधर नहीं दिख रहा है तो हमको बोलिएगा, एक ट्रेंड अमीन, वेरीफाई अमीन, एक्सपीरियंस वाले अमीन हम भेज देंगे और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप आपसी सहमति से बंटवारा कराएंगे, पेपर बनाएंगे और वंशावली के साथ उसको, और एक वंशावली फॉर्म आता है उसको भरेंगे, बंटवारा चार्ट के साथ साथ उसको लगाएंगे, प्रपत्र टू होता है जिसको स्वघोषणा पत्र या सर्वे फॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो सारे फॉर्म भर के देंगे, सब अपने अपने पटीदार जो भी हैं सब करेंगे, नहीं तो बंटवारा तो सबको आपसी सहमति से हुआ होगा, इसमें तो सभी का सहमति चाहिए, नहीं तो ये होगा कि जबरदस्ती वाली बात हो जाएगा कि तुम जो है इधर जो है ओरिजिनल जमीन रोड साइड वाला हमको ले लिया है, पीछे वाला दे दिया है, तो उसमें नहीं, तो उसलिए आपसी सहमति वहाँ जरूरी है, उसलिए कोई भी काम बंटवारा में किया जाता है इस प्रकार से कि सभी के लिए कल्याण हो, सभी के लिए अच्छा हो, ये ना हो अगर कुछ किसी को फायदा भी दिया जाता है एक्स्ट्रा कुछ, तो आपसी सहमति से, अगर मान के चले किसी को एक्स्ट्रा जमीन दिया जा रहा है कि चलो अब तुम सबको दो दो कट्ठा, तुम अढ़ाई कट्ठा ले लो, बड़ा है अढ़ाई कट्ठा ले लो, छोटा है तो अढ़ाई कट्ठा ले लो, विकलांग है तो तुम तीन कट्ठा ले लो, बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति भी करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज देना होगा, ठीक है, ये चीज कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपसी सहमति से ही होता है, कोई जबरदस्ती ज्यादा नहीं ले सकता है, नहीं कोई जबरदस्ती किसी को कम दे सकता है, तो इसलिए आपसी सहमति से बंटवारा होगा। उसमें यही होगा कि आपका जो प्लॉट है, जो जिस प्लॉट का दाखिल खारिज करवाए हैं, उसमें जो चौहद्दी आप जो दिए हैं पेपर में, तो है उस जमीन का चौहद्दी, तो वहां मामला जाके फंसेगा, तो आपसी सहमति से आपको पूरे पटीदार में आपसी सहमति से आपको एक सलाह सुझाव के अनुसार सभी एक जगह आदमी बैठ गया और आपसी सहमति करेंगे कि क्या किया जाए, वहां पे जो करेंगे वही होगा, नहीं तो आपके रजिस्ट्री पेपर है ना उसे लिंक नहीं होगा जमीन का लोकेशन, ठीक है, और किस प्लॉट में कितना रकबा, कौन सा जमा मंदी में कितना मिला है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो वो लिंक नहीं कर पाएगा और वहां ऑब्जेक्शन लगाएंगे आपके पटीदार, तो सर्वे अच्छा से नहीं हो पाएगा। उसलिए आपसी सहमति से सभी जमीन जो जैसे है, जो तौर तरीका है अभी के, मतलब वो आपको करना होगा सभी से मिलजुल के, तो इतना समझिए अगर मिलजुल के करते हैं तो रजिस्ट्री पेपर भी है
वो सर्वे टीम जो है समझेंगे आपसी सहमति से हो रहा है, तो आप लोग उसे सिग्नेचर कराएंगे कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे किया जा रहा है, तो आपके नाम से जो भी हो वो पेपर बनवा दिया जाएगा, मतलब बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नया आपको मतलब सबिन का सारा चीज नया हो जाएगा, यानी खतियान वगैरह सारा बन जाएगा, खाता वगैरह सब खुल जाएगा, अधिकार अभिलेख आपको मिल जाएगा, अपने अपने जो जो व्यक्ति है उसमें हिस्सा है, जो भी पटीदार है सबको मिल जाएगा। यही तरीका है, आपसी सहमति से चलना होगा, और जो जैसे सभी चाहेंगे उसी हिसाब से काम करना होगा, एक व्यक्ति को सोचने या समझने से वो नहीं होगा। आप जो है जब ये बंटवारा नहीं हुआ, आपको कोई गाइड करने वाले नहीं थे, आप बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाले खासकर जमीन के मामला में नहीं, और आगे जाके परेशानी झेलना पड़ता है। आपका किस्मत अच्छा है सो अभी जो है सर्वे आ गया, सर्वे में ये चीज सुधार हो सकता है, नहीं तो ये जो है आपको जिंदगी खत्म हो जाता और होता भी नहीं, समझ गए। सर्वे आप सही समय पे हुआ है, इसलिए इसमें विवाद ये खत्म किया जा सकता है, समझ गए। और कोई भी व्यक्ति कभी भी जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले मुख्य रूप से याद रखे कि कोई भी जमीन, चाहे खतियानी जमीन हो या वो केवाला वाला जमीन हो, अगर उसमें ज्यादा व्यक्ति का हिस्सा हो, यानी एक से अधिक व्यक्ति हो, तो उसमें बंटवारा अनिवार्य है। बंटवारा वो भी मौखिक रूप से नहीं, कागजी मौखिक रूप से नहीं, एक आपसी सहमति से कागजी पेपर वगैरह बना होना चाहिए, बंटवारा चार्ट वंशावली सारा, तब जाके आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं अगर करते हैं ऐसी जमीन खरीद लेते हैं, जैसे समझिए 60% व्यक्ति हैं ये सब चीज नहीं देखते हैं, सीधे जमीन खरीद लेते हैं, वो नहीं देखते हैं कि ये बंटवारा हुआ है कि नहीं, कागजी रूप से हुआ है कि नहीं, उसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। हाँ, अब ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं तो कोई, देखिए ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाते हैं फिर मामला वहां फंस जाता है। और क्या पता आप सही है, आपका बेटा किस प्रकार निकले, आप जिनसे लिए हैं वो ठीक है, अब उनका बेटा किस प्रकार निकले, कभी भी आपको दिक्कत कर सकता है, वो जमीन छीनने का प्रयास कर सकता है कानूनी तरीका से, तो कानून के पेंच में ना फंसे उस कारण से आपको जो है ना सही तरीका से काम करना है, गाइड लेना है, जमीन खरीदने से पहले अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस लेना है कि क्या क्या हमको सावधानी बरतना है, नापी करवाना है, जमीन का लोकेशन भी तय करना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि आपको प्लॉट दिखलाएंगे कोई आदेद और जमीन लिखवा देंगे कोई और, बाद में बोलेगा आपको, बोलेगा ये आपका प्लॉट है, जब मतलब रहेगा खेसरा नंबर, मतलब प्लॉट दिखलाएगा कोई और लिखा लिख देगा कोई और, बाद में पता चलेगा कि आपके जमीन पे जो खेसरा लिखा है कोई और प्लॉट का है, तो इस प्रकार बेचते हैं और अच्छा कीमत में भी बेच देते हैं। तो ये सब चीज जानने के लिए, समझने के लिए आदमी को जो है अच्छे अमीन को पकड़ के खेसरा वेरीफाई करवाना चाहिए कि वही प्लॉट है कि नहीं। बहुत सारे व्यक्ति आंख से देखे या निकल गए, नहीं खेसरा वगैरह जमीन पे लिखा नहीं रहता प्लॉट नंबर, तो वो सब याद रखें, ठीक है। और आपका कोई और परेशानी इसके अलावा? हाँ सर, तो इसमें सर एक पॉइंट और है, बोलिए। कि जिस समय जो एक अंकल जी बेचे थे उस समय मेरे पिताजी का भी नाम रैयत के नाम पर चढ़ा हुआ था, तो ऑनलाइन जो उसको हम खोजते हैं सर, खोजे हैं बाद में पता चला ये सब चीज, तो उसमें जो है मेरे पिताजी के मतलब उस खाता को, उस खेसरा नंबर को डालते हैं तो उस खेसरा में जो है मेरे पिताजी का भी नाम आता है। तो वो पिताजी का नाम जमाबंदी में आता है? जी जमाबंदी नहीं, खेसरा नंबर में आता है, जमाबंदी तो उससे नहीं, खेसरा नंबर नहीं। आप क्या चीज चेक करते हैं ये बताइए, थोड़ा क्लियर हमको कीजिए, क्या लिखते हैं, क्या चीज में जाके देखते हैं सर? उसमें जो है खाता खेसरा से रैयत का नाम नहीं खोजते हैं उस वाला में, खाता देखते हैं। तो खाता जो खुला है ना जी, जो खाता जो है सो हिस्सेदारों का, जितने भी व्यक्ति हिस्सेदार होते हैं ना, हिस्सेदार देखिए रैयत का नाम हिस्से, देखिए किस किस का नाम रहता है सबसे पहले समझिए, हम इतना ही बता देते हैं, जितने भी व्यक्ति हिस्सेदार होते हैं ना जी, उस जमाबंदी में सभी का नाम होता है और पिता के नाम के साथ होता है, ऐसे भी होता है। ऑनलाइन में सिर्फ मेरे पिताजी का ही नाम बता रहा है, सिर्फ आपके पिताजी के नाम से बता रहे, जमाबंदी किन के नाम से चल रहा है? जमाबंदी तो सर परबाबा के नाम से, परबाबा का जमीन, जमाबंदी जिनके व्यक्ति के नाम से चल रहा है, और वो क्या है कैसे वो तो भी हम देखने के बाद ही बताएंगे, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं जब हम देखेंगे तो ही बता सकते हैं। तो वो सब चीज अगर मान के चलिए देखना है तो उसके लिए आपको जो है अलग से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि पेपर वगैरह देखने का वो अलग से वो चलता है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप किस प्रकार यहाँ पे हमसे कनेक्ट हुआ किए ये बताइए। वो तो सर ऐप से किए थे, ऐप्स में गए पहले, वीडियो देखे, कहीं वीडियो देखे होंगे जी, वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज किए होंगे जी, उसके बाद आपको बोला है कि इस प्रकार अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, जिससे अगर सर से डायरेक्ट बात करना है, सर के डायरेक्ट नंबर से आपको कॉल किया जाए, यानी सर से डायरेक्ट बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट
ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वो सब सारे प्रक्रिया आपकी है और आपको जो है ये आप करके छोड़ दिए और आपको इधर से कॉल गया कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है और आपका ये टाइम है, सही ना? जी जी जी। अधिकतर हर दिन जो है आपको, आज से नहीं बहुत दिनों से जो है, जो है करीब समझिए 3 साल से अपॉइंटमेंट यहाँ चलता है। जानकारी लेना था सर, तो ब्रांच पे आना पड़ेगा क्या? क्या चीज का जानकारी? ये कोर्स करना चाहेंगे अगर तो सर, इसका ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे भी कर, नहीं ना हो पाएगा, देखिए सुन लीजिए, ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं और ऑफलाइन में यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, लॉज की सारी सुविधा है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए आना होता है पटना, नहीं तो मधुबनी, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल का जो है ना आपको नॉलेज होगा नहीं। और ये आपको यहाँ के बारे में बता देते हैं, पूरे बिहार और पूरे झारखंड में ये एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पर दिखलाती है। ये पूरे बिहार और पूरे झारखंड में फेमस है, यहाँ बिहार से बिहार से तो हर जिले से आपके स्टूडेंट देखने को मिलेंगे और बिहार से बाहर से भी आते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलता है और एक जो है आप इतना समझिए यहाँ पे करने के बाद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन भी बना दिया जाता है, उसमें आपको खर्च होता है, कोई खर्च वगैरह नहीं लगता, अभी फ्री है, अभी ऑफर चल रहा है तो अभी करवा लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ब्रांच पे आके मिलना पड़ेगा? हाँ, आई ब्रांच पे भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, तो आप एक बार आ जाइए ट्रेनिंग सेंटर में, देख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं कि हवा हवाई में काम करते हैं, कुछ उसका रहता नहीं है, ठीक ना जी। हाँ, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर पे आ जाएंगे, ऑफलाइन में भी क्लास चलता है और ऑनलाइन भी चलता है, आपको बता ही दिए, एप्स वगैरह सारा अपना चलता है। तो ऑफलाइन में आइए आराम से, ऑफिस से विजिट कीजिए, क्लास वगैरह चलता है तो क्लास वगैरह भी करना चाहेंगे तो क्लास वगैरह भी आके आराम से कीजिए। और लॉज वगैरह बगल में है, लॉज वगैरह में आराम से रहेंगे, आपके साथ साथ और सारे स्टूडेंट रहते हैं बहुत सारे ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ही जैसे अलग अलग जिले से आके स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है जी, जी, जी। ठीक है बिट्टू जी, आप जो है हम जो बताए उससे संतुष्ट है कि नहीं ये बताइए। सर एक दो छोटा सा हुआ, ये तो ज्यादा लंबा वाला था, एक छोटा सा और है, बताइए क्वेश्चन सर। एक प्लॉट ऐसा भी है सर जिसमें सभी लोग बेच दिए हैं, सिर्फ मेरा बचा हुआ है, सिर्फ उसका कैसे होगा सर? उसका भी यही सेम, सभी लोग बेच दिए हैं, सिर्फ आपका बचा हुआ है। जी जी जी, तो आपका बचा हुआ है तो आपका है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, बस सब अपना अपना बेच दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो जो व्यक्ति जमीन बेचा है उसको तो ऑटोमेटिक चला गया है, निकल माइनस हो गया है, और जमा मंदी में से भी कट गया होगा। और आप क्या करेंगे, जो जमीन बचा है ना, हाँ, उसमें स्पष्ट रूप से जो है ये चीज मेंशन कर देना है कि किस व्यक्ति कितना जमीन बेचा है। तो जितना जितना मतलब बेचने के बाद जो जमीन बचा है ना, जो व्यक्ति जो बेचे है उसके हिस्सा में वो गया, जी जी। वो अपना हिस्सा का बेचा और अपना हिस्सा का बनाएंगे और सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। सर्वे में ये सारा चीज है ना, ये जो हम बोले हैं फॉर्म भरने के लिए, बंटवारा चार देने के लिए, उसमें सारा चीज ये चीज सब लिख देंगे, किसको कितना हिस्सा है रकबा के साथ, पूरे जमीन के ब्योरा के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे बोले टेंशन मुक्त नहीं। अच्छा सर, एक और छोटा सा सर, एक पर्सनली चाचा जी, मेरे बड़े चाचा जी खरीदे हुए थे, मतलब बाबा ही खरीदे हुए थे लेकिन चाचा के नाम से खरीद लिए थे, तो जमीन मेरे कब्जा में भी है, चाचा के कब्जा में भी है, लेकिन चाचा के ही नाम से है, तो चाचा भी बोल रहे हैं कि इसका कैसे होगा करवा लेना, तो इसमें कैसे होगा? मतलब आपके चाचा के नाम से है लेकिन दो आदमी मिल के खरीदे थे, लेकिन आपके चाचा के अकेले नाम से है? चाचा जी के नाम से है बस, और जमीन हमारा कब्जा में भी है, चाचा की मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम से है चाचा जी के, तो कोई जाना कि अपना इसमें हो, जैसे होगा तुम करवाते, इसका सर कैसे होगा? सर्वे जब होगा ना, सर्वे में ये चीज को बताएंगे कि उसमें ये भी चीज जो है ना अलग से, आप जो है खेसरा नंबर जो भी खरीदे हैं जमीन, केवाला वाला, जो खतियानी वाला है वो भी लिखना है खतियान वाला, जो केवाला वाला है उसमें बहुत सारा खाना बना रहता है तो उसमें भरेंगे। और ये आप, हाँ, ये आपसी सहमति से आपके चाचा जी बोल रहे हैं ये चीज करवा लो, तो ये सर्वे में हो जाएगा, सर्वे टीम को बोलेंगे, वो आपको एक गवाह के तौर पे जो है आपसी सहमति के आधार पे आपको बोलेंगे, एक पेपर हमको दे दीजिए, लिखित तौर पे दे देंगे, और आप वो जमीन में जितना हिस्सा होंगे जो आपके चाचा के जी के नाम से है, लेकिन आप लोग भी, आपका भी उसमें हिस्सा है और चाचा देने के लिए तैयार है, तो हो जाएगा, सर्वे में सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई पैसा वगैरह भी खर्च नहीं होगा जी। बस ठीक है सर, एक छोटा सा और है, बोलिए। एक चाचा जी से ही एक जमीन हम खरीदे थे, अपने तीनों भाई के नाम से हम खरीद लेते, एक ही साथ तीन भाई हुए सर, तीनों भाई के नाम से चढ़ा दिए थे, लेकिन उसका सर दाखिल खारिज नहीं हो पाया, अपने रसीद नहीं होने के कारण से। ये जमीन खरीदे थे? हाँ, ये खरीदे थे। तो आप जो है ना, जो खरीदे थे वो केवाला रखिएगा,
एक दर के वाला होता है, ठीक ना, जो जिके वाला जिनसे आप खरीदे होंगे ना उनके पास के वाला होगा, या खतियानी होगा तो खतियान का, खतियान से वो जो लिंक कर लेंगे जमाबंदी नंबर किन के नाम से चलता है, रजिस्ट्री कौन किया, यानी उस जमाबंदी में जो बेचने वाले व्यक्ति का हिस्सा है कि नहीं वो कन्फर्म करके वो भी काम आपको सर्वे में हो जाएगा। लिंक मतलब अभी जो दाखिल खारिज रुक गया है ना, वो अगर जमीन सही है, रैयती जमीन है, जो भी किसी भी प्रकार के, जो गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दाखिल खारिज में अटका पड़ा है, अब क्या रीजन है नहीं है वो तो हम देखे नहीं है और समझे नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद नहीं है, अगर ऐसे ही अटका हुआ है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी आपको ब्यौरा वही जो बताए वही सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। बस सर, क्वेश्चन तो मेरा खत्म हो गया। आप सर हमको थोड़ा सा एक और हिंट और दीजिए, अगर खतियान हम निकालना चाहे ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन निकल पाएगा? ऑनलाइन जाइए, भू अभिलेख वेबसाइट है, वहां पे जाइए, अपने आपको रजिस्टर कीजिएगा, फिर वहां से निकालेंगे। लेकिन वहां पे प्रत्येक किसान का निकालने में बहुत मुश्किल होता है, समझ गए ना, उसमें बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, तो उसमें जो है एक एक्सपर्ट को आपको पकड़ना होगा जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा तो आप वो भी, हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप, फिर आपको कोर्स वगैरह करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सेंटर पे आइए, आराम से एडमिशन लीजिए और जैसे क्लास करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी, और सर अगर हम ऑफिस कांटेक्ट करना चाहेंगे तो ब्रांच पे मधुबनी डायरेक्ट आइएगा, मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास ही है, बस पूरब साइड में रांटी में सुशीला स्कूल के पास। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग, किशोर अमीन ट्रेनिंग या किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी या किशोर अमीन ट्रेनिंग सेंटर, तो गूगल पे आ जाएगा लोकेशन वगैरह, एड्रेस वगैरह के साथ, लोकेशन से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रेन सब यहाँ आती है, टाउन में है, नगर निगम में है, कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगा। अगर रात में भी आप आते हैं तो यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में आपको मात्र 100 रुपया लेता है 24 घंटा के लिए, आराम से आप पूरे बेड वगैरह लगा रहेगा, बिजली पंखा टीवी वगैरह जितने भी दैनिक जीवन के सुख होता है, मतलब बोला जाए आवश्यकता के चीज, जैसे लैट्रिन बाथरूम पानी वगैरह पीने की सारी सुविधा, खाना छोड़ के, ठीक ना, तो सब मिल जाएगा, आराम से वहाँ रह सकते हैं, रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं, ठीक, ओके, ठीक है बिट्टू जी, ठीक है सर, थैंक, वेलकम। अगर आप में से किसी व्यक्ति को भी जमीन से संबंधित कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी अपना कंसल्टेंसी यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। ऐप्स में जाएंगे, किशोर अमीन ट्रेनिंग ऐप्स है जो प्ले स्टोर पे है, वहाँ पे जाएंगे आराम से जो है, वहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मोबाइल से बात करने के लिए कंसल्टेंसी बुक करने का, बस वहाँ जाएंगे। आपको ये फ्री में नहीं होता, ये भी समझिए फी लगता है, इसका फी पे करते हैं, फिर जैसे ही पे कर देते हैं आपको कॉल जाता है, ठीक ना, और डायरेक्ट हमसे बात होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।